नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के आप लोग किस क्लास में, आज हम RRBG NTPC से ग्रुप डी में इस बार के आने वाले यहाँ पर करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 20+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर की आप लोग की डेली जो है मॉर्निंग में 6 o'clock क्लास होती है, ठीक है, वो भी लाइव क्लास रहती है। और हम आप लोग के लिए यहाँ पर डेली के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ ही साथ हम आप लोग के साथ जर्नल अवॉर्डेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, और साथ में दोस्तों रिवीजन करते चलते हैं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, आपको बता दें दोस्तों डेली करंट अफेयर में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो डेली करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग जो है 1-2 दिन के पहले के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बारे में जो आप लोग एग्जाम पॉइंट और जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। आप लोगों को अगर मैं बताना चाहूँ तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या फिर ना दिया हो तो आपको बता दें, जैसे कि डेली जो है आप लोग के हम लोग जो है 15 क्वेश्चन, जैसे कि आज क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 21 लिए हैं, तो आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि 15 क्वेश्चन तो हमारे करंट के रहते हैं और बाकी जो 5-6 क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोग की पहले के जो मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए उससे रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में और भी ज़्यादा जानना आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा और आप लोग अपने सभी फ्रेंड के साथ इसी तरीके से शेयर करते रहिए, ठीक है। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से हमारे प्रति बना रहे, सपोर्ट करते रहिए, प्लीज कीप सपोर्ट अस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले आपको बता दें यदि दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जिससे कोई भी क्लास की अगर लेटेस्ट अपडेट होती है तो वो आपकी मिस नहीं हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे जो है दोस्तों बता दें कि नोटिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे कि कोई भी क्लास किसी टाइम अगर अपलोड होती है और नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंच पाता है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप लोग हमेशा अपडेट बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि उत्तर कोरिया के प्रमुख हाल ही में किस देश की यात्रा पर है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया के प्रमुख कौन है जो कि अभी हाल ही में जो है यहाँ पर किस देश की यात्रा पर गए। दोस्तों यदि आप लोग जानते हैं तो अपने आंसर को जो है मैं लाइव चैट के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जैसा कि ये गए हैं रूस में, तो उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता जैसा कि इनसे आप सभी लोग परिचित हैं किम जोंग, ये जो है अपनी निजी ट्रेन से जो है रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है यहाँ पर अपनी पहली मुलाकात के लिए दोस्तों रूस पहुंचे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी जो हाल ही में क्या है उत्तर कोरिया के जो प्रमुख है जिनका नाम है आप लोग का शीर्ष नेता जो है आप लोग के किम जोंग, ये अपनी निजी ट्रेन से रूस के राष्ट्रपति क्या इनका नाम क्या ये है व्लादिमीर पुतिन, इनके साथ अपनी पहली मुलाकात के लिए रूस पहुंचे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक वर्ष कार्य क्षेत्र में दुर्घटनाओं और कार्य के चलते हुए बीमारियों से कितने कामगारों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, हर साल कार्य क्षेत्र में दुर्घटना से या फिर काम करते हुए अगर उन्हें कोई बीमारी है तो उसके चलते दोस्तों कितने यहाँ पर लाख लोग जो है मर जाते हैं दुर्घटना से, तो यह करीब 27.8 लाख लोग। तो हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल कार्य से जुड़ी दुर्घटनाओं और कार्य के चलते बीमारियों से करीबो करीब 27.8 लाख कामगारों की मौत हो जाती है काम के लंबे घंटे और बीमारियों के चलते ऐसा होता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे महाराज का तीसरा प्रश्न, ये रहा आप लोग के सामने। हाल ही में किस देश के पत्रकार सीरियल अलमिदा ने असैन्य और फौज के रिश्तों की आलोचनात्मक और अनवरत कवरेज के लिए द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी कि IPI के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार जीता है। तो ये दोस्तों किस देश के पत्रकार हैं, पाकिस्तान के, सऊदी अरब के, या फिर दोस्तों मिस्र के, या फिर बांग्लादेश के। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि ये जो है पत्रकार किस देश के हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ इनके बारे में, ये है पाकिस्तान के एक पत्रकार, इनका नाम है सिरिल अलमिदा। तो इन्होंने देश में जो असैन्य और फौज के जो रिश्ते हैं, ठीक है, असैन्य और फौज के रिश्तों की आलोचनात्मक और अनवरत कवरेज के लिए द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी कि IPI के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का खिताब जीता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन ये आप लोग के सामने। देखिए अगर क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है पाकिस्तान, इनका नाम क्या है सिरिल अलमिदा, ठीक है, का मतलब जो पुरस्कार जीता है इसका नाम क्या है, यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का पुरस्कार जीता है। बस ये कुछ 4-5 पॉइंट एक साथ आप लोग याद रखा कीजिए। अब जैसे कि क्वेश्चन आपका ये है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, और आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे दोस्तों कि रैंकिंग
आपके एग्जाम में रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या है, या फिर इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का हमारा स्थान है 80वां। क्या है ये, इसके बारे में आपको बता दें तो हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल टैलेंटेड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 का 6वां संस्करण जारी किया गया और इस सूचकांक के अनुसार भारत जो है इसमें 80वें स्थान पर है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पहले स्थान पर इसमें कौन है, ठीक है, जो आप लोग ग्लोबल टैलेंट जो है ग्लोबल टैलेंट जो है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स तो 2019 के मुताबिक इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, इसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। देखते हैं यहाँ पर कौन कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। पक्षी विज्ञानियों ने, जो पक्षी वैज्ञानिक हैं तो इन विज्ञानियों ने अभी हाल ही में किस स्थान पर वांगी वांगी वाइट आई वर्ल्ड की खोज की है, तो ये आप लोग का जो देश है ये है इंडोनेशिया। तो पक्षी विज्ञानियों ने यहाँ पर हाल ही में इंडोनेशिया में वांगी वांगी वाइट आई वर्ल्ड, ठीक है, वांगी वांगी वाइट आई वर्ल्ड तथा वक्तावी वाइट आई वर्ल्ड की खोज की है। तो वैज्ञानिकों ने इन पक्षियों पर शोध जो है आरंभ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो RBI ने राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि NHB और किस देश में किस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी क्रमशः 1450 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए सरकार को बेच दी है, तो दोस्तों ये जो है आप लोग की राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि NABARD। तो दोस्तों RBI और यहाँ पर राष्ट्रीय आवास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी कि NABARD, ठीक है, यानी कि RBI NHB तीनों का नाम एक साथ ध्यान रखिएगा, आपका एक RBI है, अगली कौन सी दोस्तों ये आप लोग की है NHB और तीसरी आप लोग की है NABARD, ठीक है, ये तीनों बैंकें जिन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी क्रमशः 1450 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए में सरकार को बेच दी है। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि अफ्रीका के किस देश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दुनिया भर में मलेरिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है, तो ये आप लोग को मैं बता दूं ये है मलावी। तो विश्व का पहला मलेरिया का टीका ये अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च कर दिया गया है और विश्व भर में प्रत्येक साल लाखों लोगों के कारण जो लाखों मौतों का जो कारण है वो मलेरिया का पहला टीका जो है लॉन्च किया जा चुका है। अब इस जानलेवा बीमारी को जो जानलेवा बीमारी है इससे बच्चों को यहाँ पर बचाने के लिए पिछले 30 साल से इस टीके को लाने का प्रयास किया जा रहा था। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा ये अफ्रीका के किस देश में जो है, ये अफ्रीका के यहाँ पर मलावी देश में है, ठीक है, मलावी देश में, और यहाँ पर आपको बता दें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दुनिया भर में मलेरिया का जो पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं टिकटॉक ऐप से आप सभी लोग परिचित होंगे और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस पर शायद वीडियो भी बनाते हों, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, किस हाईकोर्ट ने टिकटॉक के एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया जा सकने वाला बैन जो है एक हफ्ते बाद हटा लिया है, दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर पटना हाईकोर्ट। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो फैसला लिया था ये मद्रास हाईकोर्ट के अनुसार लिया गया था, तो मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक के एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया जा सकने वाला बैन फिलहाल एक हफ्ते बाद हटा लिया है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी वाइट डांस के मुताबिक उनके पास आपत्तिजनक कंटेंट का अपलोड रोकने वाली टेक्नोलॉजी है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9th ईयर आप लोग के सामने, वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह पर संभावित तौर पर पहले ज्ञात भूकंप के झटकों का पता लगाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा जा रहा है दोस्तों वो कौन सा ग्रह है जिस पर संभावित तौर पर पहले ज्ञात, ठीक है, भूकंप के झटकों का पता लगाए, तो ये ग्रह आप लोग का मंगल ग्रह, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह पे काफ़ी सोच चल रहा है, अगर पृथ्वी के बाद कहीं जीवन है तो दोस्तों वो मंगल ग्रह पर है, ऐसा यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर फिलहाल 23 अप्रैल 2019 को बताया कि उन्होंने मंगल ग्रह पर संभावित तौर पर पहले ज्ञात भूकंप के झटकों का पता लगाया है। इसका देखते हैं हमारे 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए दिशा निर्देश जो है फिलहाल अभी जारी किए हैं, 7 वर्ष 10 वर्ष 14 वर्ष या फिर 5 वर्ष, तो इसका राइट आंसर आप लोग का है 5 वर्ष। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO तो इसके नए दिशा निर्देशों के अनुसार 1 वर्ष से जो कम उम्र के जो शिशु हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से बिल्कुल भी परिचित नहीं होना चाहिए,
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी जितने भी जो अभी शिशु हैं, जो 1 साल से कम उम्र है जिनकी, जो 1 वर्ष से कम उम्र के शिशु हैं, इनको बिल्कुल भी जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती है इनसे परिचित नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लोग पैदा हुए ने मोबाइल दोस्तों इनके सामने रख दिया, मोबाइल दिखाने लगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। और 5 साल से कम उम्र को बच्चों के लिए स्क्रीन देखने का समय 1 दिन में 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन होता इसके विपरीत है, बच्चे दिन भर मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO में भारत के किस दुर्घटना को 20वीं सदी में दुनिया की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है? तो ये मैंने कल क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया था, ये सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर भारत में भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना को 20वीं सदी में दुनिया की सबसे प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना माना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने क्वेश्चन कल भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था, पूरी डिटेल्स इस क्वेश्चन को जानेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं तो वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। तो जैसा कि देखिए आपको, आप बात करते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है यहाँ पर, द सेफ्टी एंड द हेल्थ एट द हार्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क, बिल्डिंग ऑन 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जारी की है। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट का क्या नाम है, द सेफ्टी एंड द हेल्थ एट द हार्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क बिल्डिंग ऑन 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये जारी की है। और इसमें भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक बताया। अब ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट का नाम द सेफ्टी एंड द हेल्थ एट द हार्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क बिल्डिंग ऑन 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, और ये दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक दुर्घटना है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये दोस्तों किसने रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र की एक श्रम एजेंसी, इसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। यदि आपके एग्जाम में ILO की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्या होगी इसकी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी है। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि 1984 की बात है, 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में कम से कम 30 टन अत्यधिक विषैले मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि आपका MIC गैस रिसाव के परिणाम के कारण 15,000 से अधिक लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। तो यहाँ पर ILO ने बताया कि यूनियन कार्बाइड संयंत्र से विषाक्त गैस के रिसाव के कारण 6 लाख से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए थे। ILO की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार हर साल दोस्तों 2.78 मिलियन श्रमिक जो हैं व्यावसायिक दुर्घटना और काम से संबंधित गतिविधियों से मर जाते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वही बताया था, जिनमें से 2.4 जो है मिलियन बीमारियों के कारण जो है मर जाते हैं। अब बात हो रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं ये हैं गाय राइडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी अपने आप में ही कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो मिस नहीं होगा। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए कंटिन्यू, और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, आप सभी लोगों का सपोर्ट से दोस्तों जो है और भी ज़्यादा हम आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, हर वो जो पॉसिबल चीज़ प्रोवाइड कराएंगे जो कि आप लोग के एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए हमें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ, व्हाट्सअप पर, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, सब पर शेयर कीजिए। ठीक है, इंस्टा पर शेयर कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत के किस पड़ोसी देश में 21 अप्रैल को 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुए जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? तो यह है फिलहाल श्रीलंका। तो मैंने दोस्तों ईस्टर के बारे में शायद बताया होगा अभी 1-2 दिन पहले, ठीक है, जब श्रीलंका के बारे में मैंने ईस्टर एक्ट के बारे में बताया। देखिए क्या है, अब आप लोग जान लीजिए, ईसाइयों का पर्व है ईस्टर, जिसके मौके पर कई चर्च और 5-स्टार होटलों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमलों में कम से कम यहाँ पर 215 लोगों की मौत हो गई और 500 जो है अन्य घायल हो गए। मरने वालों में यहाँ पर 27 विदेशी हैं जिसमें 3 भारतीय शामिल है। तो लिट्टे के साथ गृह युद्ध के खात्मे के बाद 1 दशक से शांत श्रीलंका रविवार को एक के बाद एक 8 धमाकों व आत्मघाती हमलों से दहल उठा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, रॉयल सोसाइटी फेलोशिप सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये आप लोग हैं गगनदीप कांग। तो डॉक्टर कांग को भारत की टीका गॉड मदर कहा जाता है, दोस्तों भारत की टीका गॉड मदर जो है ये इन्हें कहा जाता है गगनदीप कांग को, ठीक है। तो इन्होंने रोटा वायरस के खिलाफ एक टीका विकसित किया, दोस्तों एक रोटा वायरस होता है जिसके खिलाफ एक टीका विकसित किया है, जिसने पहली बार 1985 में एम्स नई दिल्ली द्वारा पहचाना गया। फेलो ऑफ द रियल जो है रॉयल सोसाइटी के 359 वर्ष के इतिहास में शामिल की गई जो यहाँ पर पहली भारतीय महिला बनी है गगनदीप कांग जो है, वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। यह वर्तमान में जो है फरीदाबाद में ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर रही हैं। 2016 में बात करें इनकी, तो 2016 में इन्हें जो है उन्हें जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जीव विज्ञान में इन्फोसिस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर इनको जो है इन्फोसिस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है जीव विज्ञान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इनसे रिलेटेड, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ठीक है, ऑफ लंदन द्वारा गणित इंजीनियरिंग विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी प्रदान की जाती है, और यह एक प्रकार का पुरस्कार है, और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1663 में हुई थी, ठीक है। जैसे कि अब अगर आपके एग्जाम में जैसे कि क्वेश्चन आता है कि फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी जो है इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये किस वर्ष की गई थी, 1600 में, 1663 में, 1665 में, या फिर 1685 में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1663 में। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेकिन वो सारे पॉसिबल और इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हर वो संभावित प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है। देखिए सिप्ला के चेयरमैन है, इनको यूके रॉयल सोसाइटी यानी कि ऑनरी फेलोशिप सम्मान मिला। दोस्तों ये है सिप्ला के चेयरमैन, इनको यूके रॉयल सोसाइटी ऑनरी फेलोशिप सम्मान मिला है। अब इनका नाम क्या है, तो दोस्तों इनका नाम भी जान लीजिए, इनका नाम है यूसुफ हामिद, 82 वर्ष। तो उन्हें जो है 18 अप्रैल फिलहाल 2019 को इस सम्मान से नवाजा गया, और अब तक यह फेलोशिप इसाक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, माइकल फैराडे सबसे परिचित है, सब साइंटिस्ट हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, श्रीनिवास रामानुजन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एलन ट्यूरिंग, स्टीफन हॉकिंग सहित कईयों को दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये मिला है भी वर्तमान में यहाँ पर यूसुफ हामिद को, इसका नाम है यूके रॉयल सोसाइटी ऑनरी फेलोशिप। अगला क्वेश्चन 15 देखिए क्या रखा है, मई महीने में भारत के किस देश के साथ वरुण 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑब्वियस है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है मई महीने में भारत जो है किस देश के साथ यहाँ पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, वरुण 2019 सैन्य अभ्यास ये आयोजन करेगा किस देश के साथ में, तो इसका आंसर है फ्रांस, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताते हैं, वरुण 2019 क्या है, क्या चीज़ है ये, ठीक है, किस टाइप का अभ्यास हो रहा है इसमें। देखिए तो इसमें भारत मेक 29 के लड़ाकू विमानों के साथ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य का उपयोग करेगा। इसमें भारत क्या करेगा, मेक 27 लड़ाकू विमान के साथ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य का उपयोग करेगा फ्रांस की ओर से। दोस्तों दूसरा देश कौन सा भारत के साथ में, फ्रांस है, तो फ्रांस देश की ओर से इस अभ्यास में एयरक्राफ्ट कैरियर FNS चार्ल्स डी गॉल और राफेल एम नेवल जेट्स हिस्सा लेंगे। इसके अलावा परमाणु पनडुब्बी जैसे कि आपका FNS प्रोवेंस, FNS फॉरवेन और FNS लतूसे त्रेविल, FNS अमेथिस्ट और आपका टैंकर FNS ये भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भारत की ओर से इस अभ्यास में डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी, INS संकुल, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, INS चेन्नई, स्ट्रेल्थ फ्रिगेट, INS तर्कश और आपका टैंकर INS दीपक P8 ये लंबी दूरी का गश्ती एयरक्राफ्ट तथा आप लोग का डोर्नियर 228 विमान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ही बात है इसमें ध्यान रखें, जैसे कि भारत आपका भारत और श्रीलंका जो श्रीलंका कर रहे हैं सॉरी फ्रांस है, ये दोनों लोग जो है साथ में संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास का नाम रखा गया वरुण 2019 सैन्य अभ्यास, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से विमान, कौन से टैंक, ठीक है, कौन से जहाज, तो वो सारी कौन सी पनडुब्बियाँ, इसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं मैंने इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, आप लोग हमारे ब्लॉग पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
इससे दोस्तों क्या होगा, ब्लॉग का लिंक अगर आप लोग स्टोर करके अपने पास रखेंगे तो पीडीएफ फाइल दोस्तों क्या होती है, अगर आपका मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाएगा, कभी भी दिक्कत आती है मोबाइल का डेटा डिलीट होता है तो सारी की सारी पीडीएफ फाइल डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर ब्लॉग का लिंक आपके पास होगा तो आप लोग कभी भी उसको दोस्तों जो है ओपन करके देख सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसकी चाहे तो आप लोग पीडीएफ फाइल ही बना सकते हैं अपने आप से। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। आगजनी की वजह से सुर्खियों में रहा प्रसिद्ध चर्च नोट्रे डैम, ये किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये जो है आप लोग का है पेरिस में। तो हाल ही में एक आगजनी की वजह से यह काफी क्षतिग्रस्त हो गया। यह एक विश्व धरोहर स्थल माना जाता है और इसे जो है 1991 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल यहां पर किया गया था। इसका निर्माण दोस्तों 1160 के दशक में हुआ था। निर्माण कार्य एक शताब्दी से भी अधिक समय तक चला था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रखा है। डॉक्टर एस के शिव कुमार का निधन जो है ये फिलहाल 14 अप्रैल 2019 को हो गया। अब यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? अंतरिक्ष विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। देखते हैं यहाँ पर जी। चलिए फिलहाल दोस्तों बताते हैं आपको, इसका जो आंसर है ये है अंतरिक्ष विज्ञान। दोस्तों डॉक्टर एस के जो है आप लोग के शिव कुमार, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र के निर्देशक थे। उनका निधन फिलहाल बेंगलुरु में हुआ। डॉक्टर शिव कुमार ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन में भी काम किया था। उन्होंने डीप स्पेस कम्युनिकेशन उपकरणों के निर्माण में भी बड़ा योगदान दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विश्व विरासत दिवस 2019 की थीम क्या? मैंने आपको बताया थीम भी आप लोगों की बहुत आती है, बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं थीम से रिलेटेड। आप लोग इनको नोट करते रहा करिए, थीम एक एक अलग से एक कॉपी या नोट्स बना लीजिए जिसमें आप लोग जो है डेली जो है जितने भी मैं जो थीम जो अभी आती हैं वो डिस्कस करता हूँ, आप लोग उसको अलग से नोट करते हुए चलिए। तो आज बात करते हैं हम लोग फिलहाल विश्व विरासत दिवस 2019 की थीम की। तो इसकी थीम है ग्रामीण परिदृश्य। हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। हर साल जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में सरल नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन जो है काफ़ी टफ हो चुका है और इजी क्वेश्चन आना बंद हो चुका है। जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी या फिर इस राज्य की स्थापना कब की गई, ये इस टाइप क्वेश्चन आते थे। ये दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल दिवस, ठीक है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। अब जैसे कि पूछ लेगा विश्व विरासत दिवस, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और भारत में जो है वो 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19, केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन हिंद प्रशांत खंड यानी कि इंडो पैसिफिक विंग की स्थापना की है? तो यह है आप लोग का विदेश मंत्रालय। इसका उद्देश्य 2018 में जो है सॉन्ग्री लॉ वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत की गई हिंद प्रशांत नीति को आगे बढ़ाना है। इसका जो प्रमुख है वो है प्रमुख संयुक्त सचिव विक्रम दोराई स्वामी को बनाया गया है और इसके गठन से जो है हिंद प्रशांत नीति निर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। किस भारतीय संस्थान ने बैंकिंग तथा वित्त सेक्टर इसके लिए 5G लैब है लॉन्च किया है? तो ये आप लोग का है IDRBT यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। यह जो है भारतीय बैंक जो आप लोग की RBI इसका हिस्सा है और इसने जो है बैंकिंग तथा वित्त सेक्टर के लिए 5G लैब लॉन्च किया है। इसमें पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन जैसी कई तकनीकों के जो है तकनीकों के कार्य में कुशलता आएगी और POS मशीन में इस वक्त जो है 2G का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, ये रहा आप लोग के सामने। लर्निंग क्वाइन हाल ही में चर्चा में रहा है और इसे जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आप लोग के इस एग्जाम पॉइंट ऑब्वियस है। देखिए दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल साथ ही साथ में याद करते हुए चलेंगे, तो जब आपका जब एग्जाम आएगा तब एक आप लोग के एक अच्छे से करंट अफेयर के नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे। आपको कहीं अदर से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही वो सारे क्वेश्चन आते हैं, तमाम क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोग डेली पढ़ रहे हैं, डेली जो लाइफ बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लास्ट में जब पेपर आने वाला था, जब डेट आ जाती है, एग्जाम होता है, एक करंट अफेयर की बुक ली और एक साथ पढ़ ली। उसे पढ़ने का फायदा आपको तभी मिलेगा दोस्तों जब आप लोग डेली के डेली अपने 10 15 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पढ़ते चल रहे होंगे। बाकी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आजकल मैंने दोस्तों साइंस के भी आप लोग के साथ जो है 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए, यानी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम ये अला क्रैक हो जाए,
ठीक है, बस आप लोग इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम भी वो हर वो पॉसिबल डेटा आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फिलहाल लर्निंग कॉइन हाल ही में जो चर्चा में रहा, इसे जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया है, तो ये आप लोग का IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने ही, यानी कि ऑप्शन डी होगा सही। यह एक प्रोजेक्ट है जो एक निजी, दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट है जो एक निजी ब्लॉकचेन आधारित कॉइन है। इसका उपयोग केवल इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड एंड वर्ल्ड बैंक के भीतर ही किया जा सकता है। इससे दोनों संगठनों को जो है ब्लॉकचेन के लाभ के बारे में पता चलेगा। इससे बिटकॉइन तथा ईथर जैसी जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के आप लोग इस करंट अफेयर की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSE ट्रिकी क्लासेस में। वीडियो पसंद इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।